तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पीह न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। इसका अर्थ यह है कि जिस तरह से पेड़ कभी स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, नदी और तालाब कभी अपना स्वयं पानी नहीं पीते हैं, इसी तरह सज्जन लोग दूसरों के हित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। इस पंक्तियों का उत्तर आपको आज इस पूरी रिपोर्ट में मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ समय मीडिया हाउस के सभी डिजिटल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ बिशन सिंह प्रास्तविक क्रांति। आज हम आपको राजस्थान के आबू की तलहटी में हरी भरी वादियों के बीच सिरोही जिले की धरती का एक आबाद गांव पोशीतरा लिए चलते हैं। कुछ खास है इसीलिए हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये देखकर शायद आपके मन में भी संकल्प जगेगा कि हम भी अपने गांव को इस तरह से सजाएंगे, गांव को इस तरह से बनाएंगे, गांव को इस तरह से संवारेंगे। ये प्रसंग शुरू होता है प्रेमराज जी पुरोहित पोशीतरा परिवार एवं उनके सुपुत्र अजय राज जी पुरोहित से, जिस गांव में प्रेमराज जी ने बहुत पहले ही शिक्षा के महत्व को जानकर पाठशाला का निर्माण करवाया था। पाठशाला के ठीक सामने ही पोशीतरा का भव्य तालाब है। दीवारों पर सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, शैक्षणिक, देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत चित्रों ने नयनाभिनाम बना दिया है। आज दीवार स्वयं बोल उठी है। मुंबई के सुप्रसिद्ध व्यवसायी गांव के भामाशाह अजय राज जी पुरोहित के मार्गदर्शन में लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। समारोह में महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री राज के पुरोहित, सिरोही के विधायक संयम लोढ़ा, स्थानीय एवं जिले के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित थे। आप देखेंगे तालाब की दीवार पर सुंदर प्रेरक संदेश, बड़े बड़े बोर्ड और उन पर संदेश जो जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सूरज की रोशनी में तो ये गांव चमकता ही है। सूरज के ढल जाने के बाद सौर ऊर्जा से गांव की सड़कें और तालाब और दीवार वाला परिसर जगमगा उठता है। इस कार्य को पूरा करने में अजय राज जी प्रेमाजी पुरोहित ने तन मन और धन समर्पित किया है। हम बात करेंगे उनसे, ये प्रेरणा कहाँ से मिली और देश के ग्रामीणों को क्या संदेश देंगे। बिशन सिंह जी, हर प्रवासी जन के मन में मातृभूमि का ऋण चुकाने की एक इच्छा रहती है। मातृभूमि को वंदन है, अभिनंदन है, यहाँ की माटी चंदन है। जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, मातृभूमि के लिए जिसमें प्यार नहीं, मातृभूमि के लिए जिसमें प्यार नहीं। मैं देश के ग्रामीणों से कहना चाहूँगा कि वे अपने अपने गांव के प्रवासी भामाशाहों को प्रेरित करके अपने गांव का सौंदर्यकरण करवाएं, सुंदरता बढ़ाएं, इससे गांव की सुंदरता बढ़ेगी। धन्यवाद। सावन को आने दो, जब तालाब पानी से लबालब हो जाएगा, सुंदरता में एक नया अध्याय जुड़ेगा। देखिए संगीत के साथ नयनाभिराम दृश्य और गांव का विहंगम दृश्य। नर नारी गावे धरती धोरारी, धरती धोरारी हो, धरती धोरारी। आतो सुर गाने शरमावे, इन पर देवन मन ने आवे, इन रोजस नर नारी गावे धरती धोरारी, धरती धोरारी हो, धरती धोरारी।
धरती धुरारी, ओ धरती धुरारी, धरती धुरारी, हो धरती धुरारी। पंछी मधुरा मधुरा बोले, मिश्री मीठे सुरजू भोले, झिनो बायरियो पंपोड़े, धरती धुरारी, ओ धरती धुरारी, धरती धुरारी, हो धरती धुरारी। Oh,
खूद्यो उन माटी ने मत बिसराजे। जिन माटी में खेल खूद्यो उन माटी ने मत बिसराजे। जिन मारड़ी कोख सुजन उनने मती न जाजे। आके पूज कुल देवी देवे ने आजा छोड़ विदेश। छोड़ आप रो देश गयो किन कारण तू परदेश। रोवे बिलखे मायड़ तारी लाग काल जे ठेस। माटी है लो पाड़े रे कि माटी है लो पाड़े रे। आज बस इतना ही। हम देश हम राजस्थान के किसी भी गांव की प्रेरक जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए सुख समय मीडिया हाउस के सभी चैनल्स।